नमस्कार। आज हम पुरातत्व किसे कहते हैं या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसे इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो पुरातत्व उस विज्ञान को कहा जाता है, विज्ञान यानी कि विशेष अध्ययन करने वाला शास्त्र, या किसी चीजों के विषय में हम जब विशेष अध्ययन करते हैं किसी भी विषय में, तो वो विज्ञान की श्रेणी में उसे रखा जाता है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि जो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि धरती के नीचे जो भी चीजें पाई जाती है, जो छिपी होती है, उसे खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। साधारण यदि शब्दों में कहा जाए तो पुरातत्व वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम धरती के नीचे, यानी कि धरती के नीचे जो खुदाई करने के पश्चात जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और लोगों के भौतिक जीवन के विषय में जानकारी देने का कार्य करती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व से ही हम समझ सकते हैं, इसे पूरा मतलब हुआ पुराना और तत्व मतलब हुआ कोई भी तत्व जो हमें खुदाई करने के पश्चात मिलती है, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व में जैसे अभिलेख है, सिक्के हैं, स्तंभ है, गुहा लेख है, भवन है, उसके अवशेष हैं, ये सारे चीजें पुरातत्व के में ही आते हैं और ये पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत। अब अभिलेख क्या है इसे भी देख लेते हैं। अभिलेख प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के द्वारा जो पत्थरों, ताम्र पत्रों आदि में जो लेख, जो नियम कानून और उससे शासन से संबंधित जो उपलब्धियां होती थी उसे लिखवाते थे, उसे ही अभिलेख की अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख वस्तुतः राजा महाराजाओं और उससे शासन से संबंधित जितने भी नियम कानून और उपलब्धियों को वो लिखवा दिया करते थे, और ये शिलाओं पर यानी कि पत्थरों पर जो लेख लिखवाते थे उसे शिलालेख कहा जाता था। और जो ताम्र पत्र यानी कि तांबे को पीट करके एक चादर का रूप दिया जाता था और चादर जैसा बनाया जाता था एक पतला, और उस पर जो लेख लिखवाए जाते थे उसे ताम्र पत्र लेख कहते थे। यानी कि अभिलेख जो प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के द्वारा जो पत्थरों पर, ताम्र पत्रों आदि पर जो नियम, जो आदेश, कानून और उनसे शासन से संबंधित जितने भी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को पत्थरों, ताम्रपत्रों आदि पर जो लिखवाया करते थे उसे ही अभिलेख कहा जाता है। तो बहुत सारे राजा महाराजाओं के द्वारा ये लेख अभिलेख लिखवाए गए, वो भी आज भी इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। और पुरातत्व में और जैसे स्तंभ लेख आते हैं, गुहा लेख आते हैं, जैसे गुफाओं पर जो लेख लिखे होते थे उसे गुहा लेख कहा जाता है। जैसे हाथी गुफा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ये सारे गुहा लेख में आते हैं, गुफा लेख में आते हैं। तो इतिहास के ये जानने के स्रोत में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं इतिहास को जानने के। इसके बिना इतिहास का सही रूप से वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि ये उस समय के स्रोत होते हैं जब उस घटनाक्रम जब यह घटी होती है, तो इतिहास को जानने के लिए प्राचीनतम और प्रमाणित स्रोत में से आते हैं, जिस पर हर इतिहासकार अपने इतिहासों को उन स्रोतों के द्वारा ही इतिहास की रचना करते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त जो सिक्के आते हैं, जैसे आपने सिक्के देखे होंगे, तो सिक्के पर जैसे भारत के जो सिक्का है उसमें लिखा रहता है कि भारत का, तो प्राचीन काल के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने सिक्कों पर अपना चित्र लगाया करते थे, तो इसे ये पता चलता था जिस समय से लेकर के जिस समय तक के सिक्के पर उसके चित्र मौजूद रहते थे, तो उनके शासनकाल के विषय में जाना जाता। जैसे सातवाहन का सारा इतिहास जो है उनके सिक्के पर ही आधारित है, उनके यदि सिक्के नहीं मिले होते तो आज हम लोग उनके विषय में जानते होंगे। तो सातवाहनों का सारा इतिहास उनके सिक्कों पर है। इसके अतिरिक्त यदि जिस सिक्के पर जैसे सोने चांदी के सिक्के मिलते थे, तांबे के मिलते थे, तो इससे ये पता चल जाता था कि किस राजवंश में या किस शासक के शासन के काल में
आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ थी, क्योंकि यदि सोने के सिक्के होंगे तो उस काल में सोने का बहुत आयात में मात्रा में बहुत सारे मात्रा में सोना पाया जाता होगा, जिससे ये पता चल जाता कि उस काल में सोना बहुत हद तक पाया जाता था, बहुत मात्रा में हुआ करते थे, तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था। किसी किसी शासन में जैसे समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उसमें बिना बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे ये पता चल जाता कि जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रिय थे। तो इस प्रकार से सिक्के कुछ बोलते नहीं है लेकिन बहुत कुछ बताते हैं। उसमें शासक के शासनकाल को भी लिखा रहता है, उनसे उपलब्धियों के चीज़ों को भी लिख करके छपवा दिया करते हैं, उकेर दिया करते हैं, तो जिससे इतिहास को जानने में मदद मिलती है उनके सिक्कों के द्वारा भी। जो अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जो खुदाई वगैरह से प्राप्त होते हैं जो अवशेष, उन अवशेषों से भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी 1921 से पहले तक में, जब उसकी खुदाई वगैरह सब नहीं हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगर की जब तक खुदाई नहीं हुई थी, तब तक हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में हम लोग अनभिज्ञ थे, नहीं जान रहे थे। तो उनके खुदाई से जो प्राप्त हुए भग्नावशेष मिले, जो अवशेष जो प्राप्त हुए बचे हुए अवशेषों से हमें इतिहास को जानने में बहुत सारी मदद मिलती है, और इसी के मदद से ही हम लोग इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करते हैं। तो आशा है इस वीडियो के मदद से आपने पुरातत्व को समझ लिया होगा, जान लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।